आज मैं उस सब्जेक्ट को पकड़ने वाला हूँ लाइव एक छोटे और आसान से ट्रैप से। ये मैंने अपना ट्रैप रख दिया है बिल्कुल एक परफेक्ट जगह पे। किस तरह से हमारे ट्रैप में फंसा हुआ है हमारा आज का रैप्टर बर्ड। ओए अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू वाइल्ड रश। अभी आज का हमारा सब्जेक्ट बहुत दूर बैठा हुआ है और उस सब्जेक्ट का नाम है ब्लैक शोल्डर्ड काइट, हमारे पाकिस्तान में पाई जाने वाली साइज में सबसे छोटी चील। आज मैं उस सब्जेक्ट को पकड़ने वाला हूँ लाइव एक छोटे और आसान से ट्रैप से। ये ट्रैप किस तरह से बनाते हैं, इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस तरह के ट्रैप कैसे बनाते हैं, इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इनसे रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे बताता रहता हूँ। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है। टाइम वेस्ट नहीं करते, इससे पहले कि हमारा सब्जेक्ट हमारा ब्लैक शोल्डर काइट वो बैठा हुआ है उड़े, उससे पहले हम जो है अपना ट्रैप सेट करते हैं बिल्कुल इसके नीचे ले जाके। इतने फासले पे भी हमारा रैप्टर बर्ड इस शिकार को देख सकता है, लेकिन मैं थोड़ा सा पास जाके इसको सेट करूंगा ताकि उसको पकड़ने में आसानी हो और वो हमसे डरे ना। तो जी वो तार के ऊपर बैठा हुआ है छोटा सा हमारा आज का सब्जेक्ट। तो अभी मैंने सिर्फ अपना ट्रैप सेट करना है एक ऐसी जगह पे जहाँ पे वो इसके ऊपर हमला कर सके। तो ये मैंने अपना ट्रैप रख दिया है बिल्कुल एक परफेक्ट जगह पे, खुला सा एरिया थोड़ा सा, और वो सामने बैठा हुआ है हमारा ऊपर हमारा आज का सब्जेक्ट। इंतज़ार करना है और अभी मैं जा रहा हूँ, खली बली हो रहा हूँ ताकि। तो हमारे सब्जेक्ट ने मेरे चारे को देख लिया है, अब हमने सिर्फ इंतज़ार करना है और उसके हमले का अच्छे वाला इंतज़ार करना है। जैसे ही वो हमला करेगा और हमारे ट्रैप में इंशाल्लाह फंस जाएगा, तो अभी बस छुप कर बैठ कर इंतज़ार करना है। तो देखें हमारे रैप्टर बर्ड हमारे आज के ब्लैक शोल्डर काइट ने हमारे ट्रैप के ऊपर डाइव लगा दी है। हमने सिर्फ 15 से 20 सेकंड इंतजार करना है। अगर वो नहीं उड़ा तो समझ लें कि वो हमारे ट्रैप में फंस चुका है। मैं बता नहीं सकता कि मेरे दिल और दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। जाऊँ, क्या कहते हो? तो मेरे ख्याल से हमारे ट्रैप में फंस चुका है, फंस गया है। तो ये देखें किस तरह से हमारे ट्रैप में फंसा हुआ है हमारा आज का रैप्टर बर्ड। ओए, 1 2 3 दोनों पंजों से ये फंसा हुआ है। ये देखें, 1 मिनट। हाँ, ये देखें हमारे चूहे के ऊपर इसने काफ़ी सारे हमला किया है और ये देखें किस तरह से फंसा हुआ है मेरे ट्रैप में। ओह, मैं बता नहीं सकता मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। एक ही उस पैर में था, मेरे ख्याल से 2 इस पंजे में फंसे हुए थे इसके। मेरा मकसद ट्रैप वाले सिस्टम को प्रमोट करना नहीं है। अभी वीडियो के एंड में मैं इस रैप्टर बर्ड को आज़ाद कर दूंगा, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद। तो ये रहा मेरा ट्रैप और ये रहा मेरा आज का सब्जेक्ट। तो हम इसको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। हमारे ब्लैक शोल्डर काइट का साइंटिफिक नेम है एलिनस एक्जिलेरस और ये शिकारी परिंदों की फैमिली एसिप्ट्राइडी से ताल्लुक़ रखता है। हमारे ज़्यादातर शिकारी परिंदे इसी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। पाकिस्तान में और इंडिया में शिकारी हजरात, लोकल लोग इस शिकारी परिंदे को चूहे मार चील के नाम से जानते हैं। अक्सर लोग इसको बाज समझते हैं, ये बाज नहीं है, ये चील की किस्म है। पाकिस्तान में 3 तरह की चीलें पाई जाती हैं, 3 तरह की काइट्स पाई जाती हैं। ब्लैक काइट नंबर 2 है, ब्राह्मणी काइट नंबर 3 है, ब्लैक शोल्डर काइट। तो इस काइट को ब्लैक विंग काइट भी कहा जाता है। ये ब्लैक शोल्डर काइट अफ्रीका में, एशिया में और यूरोप में पाया जाने वाला एक आम चील है। आप इसको इंडिया में, पाकिस्तान में, देहाती इलाकों में खंभों के साथ जो तारे लगी होती हैं उनके ऊपर बैठा हुआ, दरख्तों के टॉप पे बैठा हुआ देख सकते हैं। ये डायर्नल बर्ड है। डायर्नल बर्ड ऐसे परिंदे को कहते हैं जो कि दिन के वक्त एक्टिव होते हैं, दिन के वक्त शिकार करते हैं। ब्लैक शोल्डर्ड काइट बाकी कुछ रैप्टर बर्ड शिकारी परिंदों की तरह माइग्रेटरी बर्ड नहीं होते। ये मौसम में तब्दीली की वजह से या शिकार में कमी की वजह से आसपास के इलाकों का रुख करते रहते हैं। आप इन ब्लैक शोल्डर्ड काइट को घास के मैदानों में, ज़राई रकबों में, जो खाली वीरान सड़कें होती हैं उनके आसपास शिकार की तलाश में बैठा हुआ देख सकते हैं। ये कॉर्निवोर बर्ड होते हैं, चूहों को बड़े शौक से खाते हैं, इसी वजह से इसको चूहे मार चील कहा जाता है। इसके अलावा छोटे रोडेंट्स को, छोटे रेप्टाइल्स को, सांपों को, छिपकलियों को खाना भी पसंद करते हैं, लेकिन 75% इनका खाना जो होता है वो चूहे और उसी साइज़ के मैमल्स होते हैं। इनकी उड़ान भरने और शिकार करने का तरीका बहुत कमाल का होता है। ये हवा में एक ही जगह पर रहते हुए इस तरह से फ्लैप करते रहते हैं और जैसे ही इनको कोई शिकार नज़र आता है ये अचानक से उसके ऊपर डाइव लगा देते हैं, और जब ये शिकार पकड़ लेते हैं तो अपने पंखों को अपने शिकार के ऊपर इस तरह से फैला लेते हैं, छुपा लेते हैं दूसरे शिकारी परिंदों से और खाते हैं। खाने के बाद ये उड़ जाते हैं। इनकी पहचान बहुत ही आसान है। आप ब्लैक शोल्डर काइट को इसके कलर पैटर्न की वजह से बड़ी आसानी के साथ पहचान सकते हैं। ग्रे कलर होता है, ग्रे कलर की प्लूमेज होती है, शोल्डर इनके ब्लैक होते हैं जबकि नीचे से ये वाइट होते हैं। चूंच से लेकर टेल तक इनकी लंबाई 14 इंच के करीब होती है, जबकि इनका विंग स्पैन जो होता है ये 39 इंच के करीब होता है। मादा का वज़न नर से ज़्यादा होता है, मादा 300 ग्राम के करीब होती है जबकि नर जो होता है वो 260 ग्राम के करीब होता है। ब्लैक शोल्डर्ड काइट मोनोगैमस बर्ड्स होते हैं। मोनोगैमस बर्ड्स ऐसे परिंदों को कहा जाता है जो कि पूरी ज़िंदगी के लिए, लाइफ टाइम के लिए अपनी मादा के साथ रहना पसंद करते हैं। जुलाई से दिसंबर तक इनका ब्रीडिंग सीज़न, मेटिंग सीज़न होता है। मेटिंग सीज़न में एक नर जो है अपनी मादा को इम्प्रेस करने के लिए हवा में उड़ते उड़ते शिकार पेश करता है, खाना देता है। दूर से नज़र आने में ऐसा लगता है कि जैसे दो ब्लैक शोल्डर्ड काइट्स आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन एक नर जो है अपनी मादा को इम्प्रेस कर रहा होता है ब्रीड करने के लिए। मेटिंग के बाद एक मादा दरख्त की टॉप पे सूखे तिनकों के साथ घोंसला बनाती है जिसमें वो 3 से 4 अंडे देती है, जिनमें से 28 से 30 दिनों के बाद बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं। बच्चों की अच्छे से पेरेंटल केयर होती है। नर का काम होता है शिकार लेके आना, खाना देना, मादा को भी और बच्चों को भी। तो 2 महीनों की देखभाल के बाद वो बच्चे घोंसला छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। तो इनकी तादाद को फ़िलहाल कोई भी ख़तरा नहीं है। स्टेटस इनका लीस्ट कंसर्न है। लोग इनको फैल्कनरी में भी इस्तेमाल करते हैं, बाज़गिरी में भी इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बताऊं, एक अच्छा बाज़गिर, एक अच्छा फैल्कनर वो होता है जो कि अपने शिकारी परिंदे का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है और सीज़न के बाद अपने उस शिकारी परिंदे को आज़ाद कर देता है। तो अब टाइम है इसको आज़ाद करने का, रिलीज़ करने का, लेकिन आज़ाद करने से पहले एक पप्पी तो बनती है। तो 1 2 3 गो, बाय बाय मेरे दोस्त, वो गया।